नमस्कार दोस्तों, रात में कल हम लोगों ने बाबा को हाजीपुर स्टेशन से लेकर घर आए और ये दिन में ही घूम रहे थे। कहां आपको कल की वीडियो में आपने देखा होगा, यूपी में। यूपी से एक हमारे भाई सज्जन व्यक्ति जो उन्होंने खुद इनको लेकर ट्रेन से हाजीपुर पहुंचते हैं और रात में लगभग 10:30-11 बजे हम इनको लेकर घर पे आए हैं। आज हमारा छोटा भाई यहाँ पर रामजी भाई इनको लेकर बेतिया जाएंगे क्योंकि इनके घर वालों से कहीं से कोई खबर नहीं है। फोन कॉल तो बहुत आया है लेकिन अलग अलग से कॉल आया, इनके घर वालों का कोई अता पता नहीं। इनका बेटा नहीं है लेकिन इनकी बेटी और दामाद है, ये वहीं रहते थे। ये बेतिया में मझौलिया बता रहे हैं, गांव है कहीं। हम लोगों ने सर्च किया है तो 180 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से और रामजी भाई खुद लेकर बाबा को जाएंगे। जाइएगा ना कार से बाबा, कार से जाइएगा, कार से, गाड़ी से जाना ही पड़ेगा। ट्रेन धरे पर कहला भाग गए थे क्यों ना? सब सूत गए तो कभी नहीं चलेंगे। और सब सूत गए तो आपने देखे गए एक ट्रेन? चाचा जो है मैदान हो रही है। हाँ, ट्रेन देखने चल गए थे मोटरी उटरी लेकर, कहे कि रेलवे लाइन के बगल, चूंकि सुबह से चूंकि रात से ही ड्यूटी करना पड़ता है घर के लोगों को हमारा, तो थोड़ा सा भी कोई दाएं बाएं हुआ था चाचा निकल जाते यहाँ से। आ निकल गए तो रेलवे लाइन है बगले में, हाजीपुर स्टेशन भी है। ये सोचते हैं कि हम ट्रेन पकड़ के चल जाएं और इस वजह से क्या किए कि चले गए वहां ट्रेन के और वहां पटरी पर जाके साइड में बैठल थे कि ट्रेन आता रोकता तो हम चढ़ का फिर चल जब। तो पता नहीं, समस्या ये है कि ये किसी टाइम घर से निकल के भाग जाते, तो हम इनके घर वालों का तो इंतजार किए लेकिन कहीं से कोई पता न चला। अब रामजी भाई लेके जा रहे हैं और एक बार आप लोग कोशिश करिए कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति है आपके एक क्लिक से मदद हो सकता है इनके और इनके घर वालों को पता चल जाएगा तो शायद ये अपने परिवार में चले जाए। हो सकता है कि इनके परिवार वाले भी परेशान होंगे और ये यहाँ परेशान है, तो आपके एक क्लिक से, एक शेयर से किसी का भला हो सकता है। आप लोग शेयर जरूर करिए वीडियो को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।